चौहान। माह रमज़ान मुबारक का महीना, पहला अशरा रहमत का अशरा था, दूसरा मग़फ़रत का और तीसरा अब जहन्नम से खलासी का अशरा है। मग़फ़रत का अशरा भी हमसे विदा हो गया और आज जुमातुल विदा अलविदा जो है हमसे माह रमज़ान मुबारक का पूरा महीना ही जो है अलविदा हो रहा है। और माह रमज़ान मुबारक इंसान को बहुत सारे सबक दे के जाता है। इस माह रमज़ान मुबारक में जहां एक नमाज पढ़ने पर 70 नमाजों का अजर अल्लाह तबारक व ताला ने रखा था और एक रुपया अल्लाह के रास्ते में खर्च करने पे किसी गरीब मस्कीन को देने पर अल्लाह तबारक व ताला उसका 70 गुना अजर अता फरमाता था, आज पूरी उम्मत मुसलमा इन यूं माह रमज़ान मुबारक हमसे विदा हो रहा है तो उम्मत मुसलमा इन चीज़ों से महरूम रह जाएगी। ये बड़े सोचने की बात है कि माह रमज़ान मुबारक के अंदर जहां बाज़ारों में, मस्जिदों में हर जगह एक रौनक हुआ करती थी, धीरे धीरे जब माह रमज़ान मुबारक जाएगा तो ये रौनकें बाज़ारों से भी और मस्जिदों से भी कम हो जाएंगे होंगी। तो मैं यही दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व ताला पूरी दुनिया इंसानियत के लिए जो है माह रमज़ान मुबारक में जैसे खैर व बरकतें थीं और मेल जोल मोहब्बत भाईचारा कायम रहा, इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला बाद में भी ये जो है मोहब्बत और भाईचारा कायम रखे और पूरी उम्मत मुसलमा को और पूरी दुनिया के इंसानियत के दर्द रखने वालों को हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं। कबल आज वक्त ईद की मुबारकबाद देते हैं अपने तमाम हिंदुस्तान के, हमारे जितने भी हिंदुस्तानी भाई हैं, हम वतन लोग हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, के इसके अंदर भाईचारा कायम रहे, मोहब्बत कायम रहे और एक दूसरे के त्यौहारों के अंदर जिस तरह होली का त्यौहार गुजरा, शिवरात्रि का त्यौहार अभी गुजरा पीछे, तो सभी लोगों ने मिलजुल कर जो है होली मनाई, शिवरात्रि का त्यौहार मनाया, अभी नवरात्रे ईद के बाद फौरन नवरात्रे आ रहे हैं, तो मैं अपने रब से ये दुआ करता हूँ कि नवरात्रे भी जो है वो लोगों को उसके अंदर सुकून कलब मिले और नवरात्रों के पाकिज़ा त्यौहार जो हैं हर मजहब का खुशी के साथ गुजरे और अल्लाह करे कि मेरे मुल्क में हिंदुस्तान में अमन और शांति कायम रहे और इस मुल्क को, हमारे मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की और सरबुलंदी नसीब हो और इस मुल्क के हर बसने वाले शहरी को अल्लाह इस मुल्क की अजमत में जो है इस मुल्क के झंडे को उठाने की ताकत और कुव्वत भी अता फरमाए। और मुसलमानों को से मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब गुरबा लोगों का ध्यान रखें, सदक़े से ज़कात से जो मुस्ताहिक लोग हैं और मदरसों की इमदाद करें कि दीनी काम इन ज़कात से और फितरे से ही चलता है, सदका खैरात से चलते हैं। और जहां अपने घरों में अपने बच्चों के लिए हम कपड़े खरीदते हैं और जो है पड़ोस में अगर कोई गरीब मुफलस है, तंगदस्त है, चाहे वो गैर मुस्लिम हमारा भाई है, तो उसके घर की खबरगिरी करें कि उसके घर में भी अगर हमारे घर में कोई मीठी चीज़ बने तो हमारे पड़ोसी जो गैर मुस्लिम है कि उसके घर में अगर तंगदस्ती है तो मुसलमान का पहला फरीजा है कि उस अपने हिंदू भाई की खबरगिरी करे कि उसके बच्चे ताकि किसी चीज़ को तरसे ना, हमारा काम है कि उसको भी हमारी खुशी में, वो भी हमारे शरीक हो और हम उसके दुख में, उसकी गमी में, उसकी खुशी में हम भी शरीक हों। हिंदुस्तान जिंदाबाद। और पूरी उम्मत मुसलमा के लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला सब को इस माह रमज़ान की खैर बरकतों से मुस्तफीद फरमाए और खैर आफियत के साथ अल्लाह तबारक व ताला में ईद नसीब फरमाए।